वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत सारी फीडबैक्स मेरे पास आ रही हैं, बहुत सारा एप्रिसिएशन आ रहा है, दैट एक्चुअली मेक्स माय डे। आज के इस एपिसोड का आइडिया मेरे कॉलेज के फ्रेंड मिस्टर अशोक अग्रवाल सीए की तरफ से आया। वो चाहते हैं कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करूं। आज के ज़माने में पॉजिटिव थिंकिंग की तो डेफिनेटली बहुत सख्त ज़रूरत है। किसी ने कहा, अरे यार इस पॉजिटिव थिंकिंग से होता क्या है? तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में बोला, यार तू नेगेटिव थिंकिंग ट्राई करना और देख कुछ हो सकता है क्या। कुछ नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी ने बहुत तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। उसने भगवान से कहा, भगवान मैं जो भी कुछ चाहूँ वो हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, अब जो तू सोचेगा वही होगा। तो आदमी ने कहा, यार बड़े टाइम से ना मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ, एक अच्छा खाना नहीं खाया, कहीं से अच्छा खाना आ जाए। तो फिर क्या था, किसी 5-star होटल की वैन फौरन वहाँ पहुँच गई जंगल में। उसने खूब पेट भर के खाना खाया। बहुत टाइम बाद बहुत ज़्यादा खा लिया था, अब उसको नींद आने लगी। उसने सोचा, यार काश कहीं से कोई कंफर्टेबल बेड मिल जाए ना, तो मैं कुछ घंटे आराम से सो। अब उसको तो वरदान मिला था कि जो सोचेगा वही होगा। वही हुआ, एक बहुत बढ़िया कंफर्टेबल बेड आ गया और वो उस पर लेट के घंटों सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो आधी रात का वक्त। अब ये आदमी घबराया, अरे बाप जंगल का समय, आधी रात का वक्त, अगर शेर आ गया तो शेर आ गया। अब वो परेशान, अरे बाबा ये तो शेर आ गया, ये तो मुझे खा जाएगा। क्या हुआ, शेर खा गया। तो अगर हम नेगेटिव चीज को ही फीड करते रहेंगे तो पॉजिटिव चीज होगी कैसे? अब सवाल ये आता है कि ये अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लाई कैसे जाए। मैं आपके साथ 8 पॉइंट्स शेयर करूंगा इस पॉजिटिव थिंकिंग को बिल्डअप करने के लिए। और जैसा कि मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं पॉजिटिव शब्द को एक एक्रोनिम के रूप में लेकर 8 पॉइंट्स कहने की कोशिश करूंगा। तो पहला अल्फाबेट है पी, पास्ट सक्सेसेस। आदमी कितना भी नेगेटिव सोचता रहे, जिंदगी में बहुत कामयाबियां ली हैं। आप ही तो सोचिए ना, इतने पढ़ लिख गए हैं, हर बार एग्जाम पास किया, आगे बढ़े, बहुत बारी हमें सफलताएं मिली हैं। उसको ध्यान में रखिए, अगर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरा ओ, ऑब्जर्व पॉजिटिव पीपल। आपके आसपास बहुत पॉजिटिव लोग हैं और मिलेंगे, देखिए तो सही वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाते हैं, ज़रा उनको भी कॉपी मारने की कोशिश कीजिए। कोई नुकसान नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। तीसरा अल्फाबेट है एस, स्टे फोकस्ड। भाई अर्जुन की आंख का एग्जाम्पल हमेशा हम कहते हैं स्टे फोकस्ड, और अपने ध्यान को भटकाते रहेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव पे लेते जाएंगे तो कैसे होगा। स्टे फोकस्ड विथ ऑल द पॉजिटिव थॉट्स दैट यू हैव। चौथा पॉइंट है आई, इमेजिन ग्लोरी। अब जरा सोचिए, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बैटिंग करते करते सोच रहा है, ओ माय गॉड ये बॉलर तो बहुत ही पॉपुलर है, ये तो मेरी विकेट ले लेगा। तो विकेट लेगा ना, लेकिन वो सोचता है नहीं, मैं बॉल को देख रहा हूँ, उसकी पॉपुलैरिटी को नहीं देख रहा, इसको तो मैं वहाँ हिट मारूंगा। और फिर जब हम सोचते हैं कि जब मैं कामयाब होऊंगा तो मुझे क्या ग्लोरी मिलेगी, हम उस चीज़ को पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे मैच में मेरी टीम को क्या मिलेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में मुझे क्या मिलेगा, ज़रा पॉजिटिव तरीके से सोचे तो सही। नेक्स्ट अल्फाबेट है टी, ट्रैश नेगेटिविटी। बड़े सारे नेगेटिव लोग भी हमारे पास होते हैं। पुरानी कहावत है, निंदक नेरे राखिए। अरे अच्छी बात है, निंदक नेरे राखिए जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे। ये नहीं कि हमेशा आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव 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 चीज़ें ही डालते रहें। इसलिए नेगेटिविटी को कचरे में डालिए, उस तरह के नेगेटिव लोगों को भी कचरे में डालिए। याद रखिएगा, भारत का है बहुत पुराना रोग, क्या कहेंगे लोग और किस किस के हिसाब से चलेंगे। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज आई, इम्प्रूव सेल्फ टॉक। जरा अपने बारे में अच्छा तो सोचिए, आपने अच्छे हैं, क्या कमी है आपके अंदर।
तो जितनी बार आप बोलेंगे कि यस आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू क्रिएट रिजल्ट्स, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रिएट रिजल्ट्स. उसके बाद का नेक्स्ट अल्फाबेट है वी, वैल्यू फीडबैक. लोगों से पूछिए कि क्या आपके आचरण में कहीं नकारात्मकता तो नहीं है, नेगेटिविटी तो नहीं है, और अगर है तो जरा उसका चिंतन और मनन करना बहुत सख्त ज़रूरी है. इस तरह के लोगों से वैल्यू जरूर कीजिए जब उनकी फीडबैक आपकी तरफ आएगी, क्योंकि सकारात्मक सोच से मिली हुई फीडबैक हमारे को बहुत लाभ दे सकती है. और लास्ट अल्फाबेट है ई, एंथ्यूज एंड एनर्जाइज योरसेल्फ. एक्टिव रहिए ना, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो माइंड एक्टिव रहेगा. अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, और खुद को अगर आप अपने आप को कुछ कोई प्राइज़ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, दीजिए ना. कंजूसी किस बात की है, कोई अच्छा काम करते हैं ज़रा अपनी तारीफ भी कर लीजिए, शाबाश तुमने बड़ा अच्छा काम किया, कोई गिफ्ट दे दीजिए छोटी सी. तो इस तरह से हम अपने 8 पॉइंट्स पे अगर अमल करना शुरू करें तो हम पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं. तो मेरे दोस्तों, देखते रहिए इंस्टाटिप्स पर दोस्त कोच राजीव खुराना. हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए. अपनी सजेशंस और आइडियाज़ भेजते रहिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली उसकी वेट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.